परवरिश करने के लिए, उनको अच्छा भविष्य देने के लिए लगातार लड़ती रहती है। लेकिन ये माँ एक ऐसी माँ है जिसने पूरे देश की माँओं को यह बताया कि अगर जरूरत पड़े अपने बच्चे के लिए तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी घेर लेना चाहिए और इस देश के गृह मंत्री को भी घेर लेना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फातिमा अम्मी की, जिन्होंने लगातार इस लड़ाई को 3 साल तक सड़कों पर लड़ा, और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर, बल्कि इस लड़ाई को इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उतरकर, बिहार के अंदर, साउथ के अलग अलग जगह के अंदर इस लड़ाई को जारी रखा, और आज 3 साल हो चुके हैं। नजीब कहाँ है ये अभी तक मालूम नहीं चला है, और अगर ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है और वो ये बताने में असमर्थ है कि नजीब कहाँ है, तो प्रधानमंत्री महोदय आप हमसे सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये जान लीजिए कि ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक हमें ये मालूम न चल जाए कि नजीब कहाँ है, नजीब को किसने गायब किया है। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि घर में घुसकर किसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके हथियारों का मालूम भी नहीं चल पाता कि उसकी हत्या किसने की। बड़े अफसोस की बात है कि भीड़ को रोकने वाले ईमानदार और साहसी पुलिसकर्मी सुबोध जो कि भीड़ को रखते हैं ताकि भीड़ हिंसा की तरफ ना बढ़े, उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी मीट के नाम पर अखलाक, जुनैद और तब्रेज की हत्या कर दी जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मोबोक्रेसी की आग है वो सिर्फ माइनॉरिटीज तक नहीं रहने वाली, वो सिर्फ दलित तक नहीं रहने वाली, वो हर किसी के घर तक पहुंच सकती है। लगातार हम लोगों ने छात्र आंदोलन से इस बात को आगाह किया था कि ये भीड़ पागल है, ये भीड़ कैंसरस है, ये भीड़ वायरस है, आपको इस बात को समझना होगा। ये वही कैंसरस और वायरल भीड़ थी जिसने साहसी पुलिसकर्मी सुबोध की हत्या कर दी। वो भीड़ जब पागल होती है तो वो ये नहीं देखती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन बैकवर्ड है। हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, मनोबल गिराना नहीं है। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा यहां से कि अगर सीबीआई ने यह कह दिया फाइनली कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नजीब कहाँ है, नजीब गायब हो गया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं, तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, आप तमाम मीडिया कर्मी यहां मौजूद हैं, आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि अगर हमारे देश की सीबीआई या अन्य जांच एजेंसी फेल हो चुकी है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को नजीब पर केस दे दें, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को सुबोध का केस दे दें, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को गौरी लंकेश का केस दे दें, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को तब्रेज का केस दे दें। हम शर्मिंदा हैं एक समाज के तौर पे कि 3 साल बाद भी नजीब अहमद हमारे बीच मौजूद नहीं है। हम शर्मिंदा हैं कि देश की राजधानी में, देश के प्रीमियर यूनिवर्सिटी के बीचों बीच एक शख्स के साथ मारपीट होती है, उसे मौत के घाट उतारने की धमकी दी जाती है और अगले दिन वो गायब हो जाता है। उसके 3 साल बाद भी हमारे देश की प्रीमियर एजेंसीज जांच तो दूर की बात है, मुख्य आरोपियों से पूछताछ तक नहीं कर पाती हैं। इसलिए हम शर्मिंदा हैं और हमें बहुत बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। साथियों, सवाल आता है कि ऐसा कौन सा बड़ा रहस्य था कि दिल्ली पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सीबीआई सब मिलकर 3 साल में इसे सुलझा नहीं पाए। सच्चाई यह है कि नजीब के केस में कोई रहस्य था ही नहीं, देयर वॉज नो मिस्ट्री। केस बहुत सिंपल था, केस बहुत सादा था अगर उसकी कार्रवाई की जाती तो। सही सवाल यह है कि नजीब किन लोगों को खटक रहा था, वो कौन लोग थे जो नजीब को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखना नहीं चाहते थे, वो कौन लोग थे जो नजीब के मारे जाने को या नजीब के गायब किए जाने को एक जुर्म की तरह नहीं देख रहे। ये वो लोग थे, ये वो शक्तियां थी जो हिंदुस्तान में तालीम को, शिक्षा को एक खास तबके में महदूद करना चाहते हैं। ये वो लोग थे जो मुसलमान को, दलित बहुजन को
पढ़ते हुए नहीं देख सकते। नजीब को गायब किया जाना सिर्फ एक छात्र का गायब होना नहीं है, ये हमारे पूरे सोशल जस्टिस के आइडिया पर एक हमला है। नजीब का गायब किया जाना हर मुसलमान को, हर बहुजन को एक चुनौती है कि तुम हमारे कैंपसेस में मत आना, और अगर आते हो तो चुपचाप रहना, अगर बोलते हो तो सिर्फ हमारी आवाज में बोलना। नजीब कैंपस पे आया भी और उसने बोला भी और उनके खिलाफ बोला, और आप सब भी आए हैं और बोल रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आज हम सब यहां जमा हुए हैं क्योंकि हम इस चुनौती को समझते हैं। हमारा दर्द नजीब के पूरे परिवार के साथ है और आज हम सब उस परिवार का हिस्सा खुद को महसूस करते हैं, और हम उस बड़ी चुनौती को भी समझते हैं कि अगर कल नजीब के साथ ऐसा किया गया तो आज कम से कम उसे ना भुला के ये स्पष्ट किया जाए कि जो मैसेज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ परिवार नजीब को गायब करके देना चाह रहा था, जो एक्सक्लूजन जिस जगहों से वो हमें खदेड़ के निकालना चाह रहा था, हम खुल सीधी आवाज में कहते हैं कि हम उन जगहों को खाली नहीं करेंगे, हम हरगिज अब उन स्पेसेस को खाली नहीं करेंगे, हम डटे रहेंगे, हम बने रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। साथियों, हमें याद रखना चाहिए, इन एवरी जेनोसाइड द फर्स्ट कैजुअलिटी इज ट्रुथ। हर नरसंहार में पहला विक्टिम सच्चाई होती है। आज हम उसी दौर में रह रहे हैं, चाहे वो नजीब के केस में अचानक से एक टेरर स्टोरी इन्वेंट करने की कोशिश हो, किसी ऑटो ड्राइवर को जोर जबरदस्ती करके झूठे बयान दिलवाने की कोशिश हो, चाहे हर मॉब लिंचिंग के केस में जब पुलिस मारने वाले के बजाय मरने वाले के खिलाफ FIR करती है तो वहां सच की मौत होती है, जब हर इनकाउंटर के केस में पुलिस जिसे कत्ल करती है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के वायलेशन का मजाक उड़ाते हुए उन्हीं के खिलाफ फिर FIR करती है, ये सच का कत्ल है। दिस इज द डेथ ऑफ ट्रूथ। आज हमारी पूरी पब्लिक लाइफ में जो पूरा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा है वो सच्चाई को मारने, सच्चाई को कत्ल करने के लिए चल रहा है, और आज हम लोग जमा हुए हैं ये बताने के लिए कि वो हजार कोशिशें कर ले, हम सच्चाई को ना भूलेंगे ना उन्हें भूलने देंगे। हमें याद भी है और हम याद भी दिलाते रहेंगे। साथियों, वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए बात को खत्म करूंगा। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, जो खवातीन, जो महिलाएं स्टेज पर बैठी हैं, वो आज हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, और मैं खास कर सलाम पेश करना चाहता हूं फातिमा अम्मी को। आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, आप हमारे लिए उम्मीद की किरण पेश करती हैं, और हम आपको एक लीडर, एक कायद की तरह देखते हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आपकी क़यादत में हम इस तहरीक को चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।